फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज अभी मैं घर से बाहर निकली थी, सोचा था अपनी गली में बैठकर मैं कुछ थोड़ा शूट करूंगी, लेकिन गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मतलब आप सोच के देखो, 6 महीने से रह रही हूँ, उसके बावजूद भी गली के कुत्ते भी मुझे नहीं पहचानते अभी तक। वो दिखाई नहीं थे उस दिन, वो ब्लैक वाले जिनके पिल्ले थे, उनके मम्मी आ गई, पीछे पड़ गई हूँ अपने। मतलब वो तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर फिर मैं वहां से निकल ही गई हूँ। मुझे मतलब जाने ही नहीं दे रही थी आगे, फिर मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ। यहाँ पे ये दुकानें हैं ना पीछे मेरे, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे सामान मिलता है सारा, मतलब इस एरिए का पूरे का यहीं पर ही मिलता है सामान, और कहीं नहीं मिलता। तो मैं आज आई थी। एक्चुअली मैं ना दीदी भैया आज ना कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जब भी मिलता है टाइम, मैं इन सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। पर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती थी आप सबके लिए। जी, पढ़ती हूँ मैं। पहला है, सीमा पांडे जी ने मुझे कमेंट किया है, निधि आप जिस हालात में हैं उसे हमें भी जिया है, अब उस बात को 8 साल हो गए हैं, आप क्या जी रही हैं इसे हम महसूस कर सकते हैं। आप खुश दिखने की कोशिश करती हैं, एक दिन सब आसान हो जाएगा। दीदी आपकी बात से मुझे बहुत हिम्मत मिली, और मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि आपने भी ये चीज़ फेस की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस चीज़ को जिए, बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, और जिस पे बीतती है उसी पता चलता है। एक है ये डी शिक्षा जी ने मेरे को कमेंट किया है, दी आप बहुत क्यूट हो, सच में सो ब्यूटीफुल, आप हमेशा खुश रहो। जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छा कमेंट किया, थैंक यू। एक और कमेंट है, दीक्षा कॉर्नर के नाम से है, उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे बताया है कि ब्यूटीफुल डियर, ऐसे ही खुश रहो, $100 के बाद आपकी सैलरी बैंक में आ जाएगी, पिन आएगा उसका वेरीफाई करना है, फिर बैंक अकाउंट ऐड कर देना। उन्होंने मुझे थोड़ी ना, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया है, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि कैसे क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ही पता चलता है टेक्निकल चीज़ें जो है ना, मेरे को बहुत हेल्प मिलती है जब भी आप दीदी बताते हो। एक फातिमा जोहरा जी, उन्होंने मुझे कह दिया बहुत प्यारे हो, आपको बड़ी बहन बनाना चाहती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। थैंक यू दीदी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपकी बहन हूँ। फिर एक अंशिका बेटू वीलॉग्स जी ने मेरे को कमेंट किया है, बहुत प्यारी लग रही हो दी, आप ऐसे ही खुश रहा करो, दी सही कहा आपने कि बेस्ट मोमेंट के इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो। जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, बेस्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, जो आज मोमेंट है वही बेस्ट है सबके लिए। फिर इसके बाद निधि पटेल जी ने मेरे को मैसेज किया है, पांडे जी ने सॉरी, वट एवर यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, यू आर सो ओरिजिनल, कीप इट अप निधि, गुड लक। थैंक यू दीदी, आपका नाम भी निधि है, अच्छा लगा सुन के। फिर एक मैसेज है, शेफाली की दुनिया से है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, सही बोल रही हो निधि, खुशियां जरूरी नहीं बड़ी हो तभी हम उन्हें मनाए, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। जी शेफाली जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, छोटे छोटे मोमेंट में अपने बच्चे के साथ खुशियां मनाइए, अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, पता नहीं ये मोमेंट कब कहाँ किसके गायब हो जाएं, तो जब तक है इन मोमेंट को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज फिर आईलाइनर फिर मेरे से ख़राब लग गया, चलो कोई नहीं। अगला है, हिमाचली वी लोगर सरोज जी ने मुझे मैसेज किया है, ब्रेव गर्ल, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, अपने लिए अपने बच्चे के लिए तुम्हें खुश देख कर जो तुम्हें प्यार करते हैं। इन्होंने ये हिमाचली वीलॉगर सरोज जी मुझे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को देखकर खुश रहिए, और मुझे इनका ये बात बहुत अच्छी लगी, दीदी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो।
इसके बाद एक आरव एंड गुन्नू नाम से है, एक भैया ने मुझे मैसेज किया है, अनलाइक करने वालों को भगवान देखेगा, 1000 likes फॉर यू। भैया मुझे कोई मुझे अनलाइक करता है ना, देखो जो ये YouTube होता है ना उस पर लाइक और अनलाइक का बटन क्यों दिया हुआ है। देखो लाइक का मतलब ये है कि कोई आपकी बात को पसंद कर रहा है, अनलाइक का मतलब है कि कोई आपकी बात को पसंद नहीं कर रहा। तो कहते हैं ना कि कोई आपकी कमी बताता है तो अच्छा लगता है, आप उस कमी को सुधार सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे कोई अनलाइक करता है तो मुझे समझ आता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या गलत किया है, फिर मैं और सोचती हूँ और उसमें सुधार लाने की कोशिश करती हूँ। तो जी थैंक यू। आप जो एक्चुअली कोई इंसान आगे तभी बढ़ता है जब कोई आपको उसकी आप कमियाँ आपको पता चलती है, कोई आपको आपकी कमी बताता है तभी आपको पता चलता है। इसके बाद ज्योति जाधव जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, सही बोला, किसी फंक्शन और अच्छा दिखना इंतजार करता रहना गलत है, बहुत छोटी उम्र में एक अच्छी सोच रखती हो तुम, यू आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो डाउट। जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और हाँ ये बात आप मैंने उस वीडियो में भी बोली थी, अभी भी कह रही हूँ, कभी भी किसी मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, ये मोमेंट जो भी मैं जी रही हूँ, मैं सांसें ले रही हूँ, जब तक है सांसें तब तक तो जीना चाहिए ना, आप खुद देखिए फील कीजिए, सांसें है ना चल रही है ना, हमारे बॉडी के ऑर्गन चल रहे हैं ना, शरीर काम कर रहा है ना, ये शरीर तभी काम करता है जब आप खुश रहते हो, दुखी रहोगे तो बीमार हो जाओगे। इसके बाद संतोष चौधरी जी हैं, उन्होंने मैसेज किया, दीदी मैंने तो न्यू ड्रेस एक दिन पहले लाई थी, दूसरे दिन एग्जाम में पहन कर गई तो मेरे भैया की पसंद थी। उन्होंने भैया की पसंद की ड्रेस पहनी है, संतोष चौधरी जी हैं दीदी है, उन्होंने कहा है कि वो जिस दिन वो ही दिन उनके लिए बहुत बुरा निकला, क्योंकि जो ड्रेस के साथ वो गई थी उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर भी गवा दिया। इन दीदी का एक्सीडेंट हुआ था जिस दिन उन्होंने नई ड्रेस पहनी थी और उस एक्सीडेंट में इनका पैर चला गया था। दीदी मुझे आपकी ये बात सुन के बहुत दुख होता है, आपने बहुत कुछ गवा दिया, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, आप बहुत हिम्मती और आपको दूसरों को हिम्मत भी देनी चाहिए। देखो एक को देख के दूसरे को जीना पड़ता है और ये बहुत हिम्मती है दीदी। देखो इतने अच्छे से हंसते हुए इन्होंने मेरे को देखो अपने जिंदगी का देखा हंसते हुए बता रहे हैं, जब से मैंने सोचा है कि न्यू ड्रेस को पहले घर पर ही पहनूंगी। दीदी आप चाहे घर पे पहनिए ड्रेस चाहे बाहर, लेकिन आप न्यू ड्रेस पहनिए, अच्छे से तैयार हुई और खुश रहिए, अपनी जिंदगी का एक एक मोमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए आप। इसके बाद एक कुक जीत और फैमिली जी हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया है, सिस्टर मुझे भी कभी कभी तैयार होने का मन होता है लेकिन टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। दीदी प्लीज आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए करिए, जैसे आपके हस्बैंड अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड आने का जिस टाइम टाइम होता है ना, एक दिन बढ़िया से तैयार होके जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो ऐसे तैयार होके उनके सामने खड़े होके दिखाइएगा, आप देखना कितना अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी, और आपका वो दिन हमेशा आपको याद रहेगा। उसके बाद मुझे मानसी शर्मा जी है, उन्होंने मैसेज किया है, निधि आप बहुत सिंपल और प्यारे हो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप आई शेडो पहले लगाया कीजिए और आई लाइनर बाद में। जी मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, देखो मैं मेरा आई लाइनर देखना देखना कितनी बड़ी गड़बड़ कर रखी है मैंने, सच में बता मैं आई मुझे बात आपकी समझ आ गई है कि पहले आई शेडो लगाना है उसके बाद आईलाइनर लगाना है। मैं एक्चुअली थोड़ी डर सी जाती हूँ कैमरे के सामने कहीं मुझसे आईलाइनर गलत ना लग जाए, इसलिए मैं पहले ही लगा के बैठ जाती हूँ, तो क्योंकि मुझे फिर ये ना कट वगैरह करने में अभी दिक्कत आती है क्योंकि वीडियो में अपने हाथ से ही शूट करती हूँ और उसके बाद उसमें मुझे मतलब लगाना आईलाइनर वगैरह आप समझ सकते हो। बाकी मुझे समझ आ गया क्योंकि आई शेडो लगा लिया, वो आई शेडो फिर इसके ऊपर लग जाएगा आंखों के ऊपर, यहाँ फिर ये कवर हो जाएगा हमारा आईलाइनर, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। इसके बाद एक मधुलिका यूपी आरबीएल दीदी है, उन्होंने कहा है मेरे को YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए,
जिससे आप अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकूंगी। हाँ जी, मुझे थंबनेल अभी तक मैंने नहीं लगाया है, पर पता नहीं क्यों मैंने ये चीज़ नोटिस किया, जैसे हम बनाते हैं ना कोई, मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे वो जो यूट्यूब जो बनाता है ना करता है वो वाला थंबनेल भी मुझे बड़ा पसंद आ जाता है। मतलब वो पता नहीं कैसे चूज करता है, मतलब आपकी वीडियो का बड़ा अच्छी सबसे अच्छी फोटो ले लेता है अपने आप ही। पर हाँ, थंबनेल मुझे बनाना सीखना है, मुझे नहीं आता है। उसके बाद दीक्षांत जी ने कहा है, आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए, भगवान से भी, लोग तो भगवान से भी परेशान हैं, हम तो इंसान हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें इसके अलावा आगे मैं पढ़ के बताती हूँ, एक यूपी ब्लॉगर हैं अंबिका राज, उन्होंने कहा है, मेरे को मैसेज किया है, सिस्टर प्लीज मेरा नाम ले लो या एक बार वीलॉग में, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंशियल दिक्कत है, मेरे हस्बैंड की सैलरी 6,000 है और कोई सहारा भी नहीं है अर्निंग का, तो काफ़ी टेंशन रहती है। तो इन्होंने मैसेज किया है, तो आपका मैंने मैसेज पढ़ा है। प्लीज़ भाई बहनों, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप इन दीदी को भी सपोर्ट कीजिए। उसके बाद एक ज्योति एस विलेज लाइफस्टाइल है, उन्होंने मुझे कहा है, दीदी मेरे मैसेज को पिन कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल का कोई व्यू नहीं करता, दी प्लीज हेल्प कीजिए। ज्योति एस विलेज लाइफस्टाइल नाम से इनका चैनल। उसके बाद निशा जहाँ है, उन्होंने कहा है कि मेरी भी शादी को 2 साल हुए हैं, भगवान मुझे भी एक बच्चा दे, मेरे लिए भी दुआ करना, दी भगवान आपको हिम्मत दे और बच्चों को प्यार दे। निशा जी, आपको जरूर भगवान देगा, बच्चा जरूर देगा, बिल्कुल ऐसे हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी इस चीज़ में, मैं अपनी जर्नी कभी शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ था। और मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी थी, 1 साल कंटिन्यू पूजा करी है मैंने, मैं बता दूंगी मैं एक वीडियो बना के कि मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि देखो हम सबसे भी ऊपर एक शक्ति है जिसे मानना पड़ता है, और कहते ना भगवान ने जब जहाँ जब जिस टाइम जो लिखा है उसी टाइम मिलता है किस्मत का। तो जब आपकी किस्मत में लिखा होगा ना, चाहे 6 महीने बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, जब भी हो तब आपको आपका बेबी जरूर मिलेगा। पर इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब जहाँ लिखा है वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी थी, कैसे की थी, क्या किया था, मैं आपको बताऊंगी। इससे होता कुछ नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत आ जाती है और विश्वास जागता है कि हाँ आपको जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। उसके बाद एक उस्मान फैमिली वीलॉग्स नाम से है, इन्होंने मुझे कमेंट किया है, निधि सिस्टर अल्लाह पाक ने आपके अपनी आपकी दिनों में इतनी मदद की है ना, तो इंशाअल्लाह आपकी वो मंजिल भी आपको मिलेगी जो आपने चाहती हैं। आपके हस्बैंड का क्या सपना था और आपके बेबी के लिए। जी दीदी, आप मुझे पता है आप मेरे वीलॉग्स पे कमेंट्स करते हो, और मुझे दी आप बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे से हो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। और इसके अलावा आपने जो सपने पूछे हैं जो मैं ज़रूर बताऊंगी, पर आखिरी में सनी ने ना ये कह दिया था कि मेरा बेटा जो बनना चाहे वो बने, वो उसकी मर्जी है, पर उनकी कुछ इच्छाएं थी जो मैं बताऊंगी ज़रूर आप सबको। इसके अलावा ये तो मैंने, इसके अलावा साहिल शर्मा किचन से हैं, ग्लैड टू सी यू दी, इन्होंने मुझे मैसेज किया है। आप भी सोचेंगे मैंने इतना छोटा सा मैसेज क्यों पढ़ा है, एक्चुअली ये मेरे कजिन ब्रदर है तो मैंने पढ़ दिया, मुझे लगा चलो अच्छा है वो बस। आगे है रुखसार महक, आप बहुत ही मासूम और क्यूट होनी दी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आप बेशक मानो नहीं लेकिन सच में आप बहुत स्ट्रांग हो माशाअल्लाह, आपको बेटा एक दिन बहुत ही प्राउड फील करवाएगा, ऐसे ही आप रहना और इंशाअल्लाह कामयाबी खुद आपके पास आएगी। जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके अलावा एक स्वीट फैमिली वीलॉग्स और किड्स मस्ती ने मैसेज किया है, ब्यूटीफुल थैंक यू। अब ये मत सोचिएगा मैं बड़े बड़े मैसेज पढ़ लेती हूँ और छोटे मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, मैं छोटे मैसेज भी पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ये मत कुछ भी ऐसे मन में डालेगा।
अब बिहार की पूजा लाइफस्टाइल जी ने मेरे को मैसेज किया है, अब प्लीज मत रोना बहन, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। दर्द इतना बड़ा होता है ना कि ना चाहते हुए भी रोना आ जाता है और शायद इससे दिल भी हल्का हो जाता है। पर एक गाना है ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए। जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने बहुत प्यारा सा मैसेज किया है। इसके अलावा नेहा सिंह जी ने मैसेज किया है कि मेरे साथ भी जल्दी ही ये सब हुआ, मैं भी खुद को बहुत कोशिश करती हूँ माइंड डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसा करूँ जिससे खुशी मिले। कुछ दिनों पहले कुकिंग वीडियो डाली थी, बट हम कितना भी करें बिजी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें याद ना आए, टाइम लगेगा संभलने में। मेरा भी चैनल है अन्नू नेहा फूड लैब, अभी ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं की है क्योंकि कभी मूड भी ऑफ हो जाता है। जी भाई और बहनों, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, इनकी भी जीवन में मुझे इन्होंने बताया है कमेंट सेक्शन में कुछ लाइफ में बहुत कुछ बुरा देखा है इन्होंने भी। फिर नेहा वी लोग्स ने कहा है कि प्लीज डोंट क्राई डियर, आप ये सोचो कि आपको आज सपना इसीलिए आया क्योंकि जीजू भी आपको खुश देखना चाहते हैं। दीदी मुझे आपका ये मैसेज बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा, बहुत दिल को छुआ मेरे। फिर राधा सिंह जी ने मेरे को मैसेज किया है, यार मेरे को ये सोच कर बहुत रोना आ रहा है कि इस बच्चे की क्या गलती थी, पापा वर्ड गॉड ने छीन लिया, गॉड इतना बेदिल कैसे हो सकता है, हमको लाख दुख दे लेकिन बच्चे से उसके माँ बाप नहीं छीनने चाहिए। देखिए पता है क्या, एक दिन कोई ना कोई किसी को छोड़ के तो जाएगा ही जाएगा, हर किसी को कोई ना कोई छोड़ के जाएगा, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, किसको ही अपने माँ बाप को जाता देखेगा, कोई कुछ देखेगा, ये सब सबके साथ होना है। पर ये है कि मेरे साथ लाइफ में 30-40 साल पहले चीजें हो गई, संभलने का मौका नहीं मिला। पर हाँ फिर भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए हमें, भगवान एक शक्ति एक विश्वास है जो हमेशा हमें अपने दिल में रखना चाहिए कि कोई शक्ति है हमसे ऊपर जिसके नीचे हमें झुकना है। फिर प्रतिमा सिंह जी ने मैसेज किया है, सॉरी सिस्टर मैं आज की वीडियो आज अधूरा ही देख पाई। कोई बात नहीं दीदी, मुझे आपका अंदर का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपकी हैप्पी लाइफ की तो अभी शुरुआत ही हुई थी, भगवान ने ये दुख दिया जिसे आप किसी भी खुशी से कम नहीं कर पाओगी। इसके अलावा बहन होने का के लिए रिश्ता मैं जोड़ रही हूँ आपसे और मैं आपको रोते हुए नहीं रोने नहीं दूंगी, आपको और विहान पर सॉरी खुश हो कि उन्होंने आपको अपने प्यार की एक निशानी दी। जी मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रतिमा जी ने मेरे को मैसेज किया है, मुझे बहन माना है, थैंक यू। एक्चुअली साहब मैंने पढ़े हैं सबके मैसेज, पढ़ती हूँ मैं, सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। हाँ फिर एक दिल्ली वी ब्लॉगर है अमिता जी, उन्होंने मैसेज किया है, मैं भी अपने भाई को सपने में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर रोना भी आता है क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, हम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते लेकिन यकीन भी नहीं होता। डियर मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। जी इन्होंने भी बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में, मैं कह रही हूँ ना ज़िंदगी में बहुत कुछ किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है और जरूर खोएंगे भी, इसीलिए अब चाहती हूँ कि आज का मोमेंट सब आपस में प्यार से रहिए और ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए। आप किसी को भी कुछ कहते हो बोलते हो गुस्से में भी कि उस आपके तो मुंह से कोई शब्द निकल जाते हैं पर उस इंसान के मन में हो सकता हो जिंदगी भर उन शब्दों की छाप रहे, तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मोनिका जी ने मैसेज किया है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ अपना ड्रीम पूरा देखने के लिए और ज़्यादा सो लेती हूँ। मुझे आपकी भी बात बहुत अच्छी लगी, होता है ना कई बार हम ज़्यादा सो लेते हैं, हमें सपना इतना प्यारा आ रहा होता है। फिर एक मानसी हैं हरियाणवी, उन्होंने मैसेज किया कि आप प्राइमरी टीचर का कोर्स कर लीजिए सीटेट से, उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस दी है बीएड वगैरह के लिए, तो जी मैं जरूरी इसके बारे में मैंने साइबर कैफे में मैंने एक भैया उनको बोला हुआ है कि जैसे ही कुछ फॉर्म निकलते हैं कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइए और मैं आगे ज़रूर पढ़ाई करूँगी क्योंकि इससे बीएड में ज़्यादा स्कोप होता है सरकारी नौकरी लगने का, बाकियों में फिर भी थोड़ा सा टफ है कॉम्पिटिशन, इसमें थोड़ा एक टफ नहीं कह सकती लेकिन हाँ मेरे को भी इंटरेस्ट है काफ़ी टीचिंग लाइन में, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। एक एम नाम से है, उन्होंने मैसेज किया ये लाइफ है सो की एक बात लड़की
का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने अपनी फैमिली के कहने में डाइवोर्स केस लगा दिया कोर्ट में, और वो भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और रोती है। पेरेंट्स लड़कियों का कैरियर बनने के बाद ही शादी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है, लड़की को अपने पाँव पे खड़ा जरूर करना चाहिए। तो जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी भाई हैं, वो अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए पढ़ाई में, उन्हें कहिए आप अच्छे से पढ़िए। जिन जो फादर हैं, अपनी बेटियों पर अच्छी पढ़ाई करवाइए। तो आज हम अब बदलेंगे तभी तो आगे दुनिया बदलेगी ना, समाज बदलेगा। एक है सीमा यादव, उन्होंने मैसेज किया है कि आप कितनी लकी होती, आपके पास अपने हस्बैंड की निशानी एक बेटा है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे कि मेरे हबी मुझे छोड़कर चले गए। बहुत फील होता है, बहुत। भगवान ऐसा कि बुरा किसी के साथ भी ना करें, कभी ना करें। कितनी लड़की सपने जोड़ती है शादी के टाइम, मैं समझ सकती हूँ, और वो सपने सिर्फ 10 दिन में टूट जाएं। क्या देखा बेचारी ने, बहुत बुरा लगा मुझे पढ़ के, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। उसके बाद एक है आराधना जी, उन्होंने कहे दीदी मेरे जीजू के लिए प्रे कीजिए, वो ठीक हो जाए, वो 7 दिन हो गए हैं अभी तक उन्हें होश नहीं आए हैं। दीदी ये 3 दिन पहले आपने मुझे मैसेज किया था, दीदी प्लीज आप मुझे बताइएगा मैसेज कमेंट सेक्शन में आपके जीजू अब कैसे हैं। भगवान करे उन्हें होश आ जाए और वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके अलावा रितु जी ने मैसेज किया था, इस बीमारी का दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, मेरी मम्मी को किडनी फेलियर हुआ है, बहुत गंदे हालात देखे हैं मैंने। भगवान ये बीमारी किसी को ना दे, भगवान किसी को भी कोई बीमारी ना दे, पर ये भी बात सच है कि हर कोई इंसान को बीमारी तो होनी ही है, किसी न किसी स्टेज पे बीमार होगा वो, पर हाँ भगवान किसी को बीमारी ना दे, बहुत दिक्कत होती है, बहुत इंसान का जीवन बर्बाद सा हो जाता है। एक जिंदगी मिलेगी दोबारा, आरती वी लोग हैं, इन्होंने हाई दी बोला है। मैंने इनका कमेंट दोबारा से सिर्फ इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनके हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा है 6 महीने से, और आप इन्हें सब ये दीदी मुझे बोलते हैं कि दीदी आप एक बार मुझे बोल दीजिए, हम मेरा नाम लीजिए, और मैं इनका नाम जरूर लूँगी क्योंकि भगवान ना करे इनके हस्बैंड को कभी कल को कुछ हो जाए और ये फिर मुझे कहेंगे दीदी आप मेरी हेल्प कर सकते थे, आप कह सकते थे ना कि आप मेरे को सपोर्ट करो, आपने नहीं किया, फिर क्या फ़ायदा हुआ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे अच्छा लगेगा किसी की जान बचे, किसी का कुछ भला हो। तो दीदी आप, मैं आपसे एक बात और कह रही थी कि आप एक बार फेसबुक पे भी कुछ कीटो नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हेल्प करती हैं, आप एक बार प्लीज़ सर्च कीजिएगा, मैंने आपको बोला भी था, हो सकता है वहाँ पर कुछ मदद मिले, क्योंकि वहाँ हो सकता है आपको मदद मिल जाए। तो प्लीज़ आप प्लीज़ कोशिश करते रहिए दिन रात, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी, भगवान आपको मदद देगा, राह दिखाएगा आपको। तो ये सारे मैसेजेस थे, एक्चुअली और भी बहुत से मैसेजेस थे जो मैं शायद नहीं पढ़ पाई या मैं पढ़ना चाहती थी, पर मैं ये कहूँगी कि अब से मैं एक हैबिट डालूंगी, मैं जैसी वीडियो डाल रही हूँ ना दीदी, तो मैं ना सबके जो कमेंट्स है जो मुझे लगेंगे कि मेरे को अच्छे लगे हैं, या कोई मुझे कहता है, कोई बात बोलता है कि आप मेरा नाम लीजिए या कुछ भी, तो मैं उनके स्क्रीनशॉट ले लूँगी और मैं फिर हफ्ते में एक बार ऐसी वीडियो बनाकर वो कमेंट्स पर डालूंगी। तो इस तरीके से, एक तरीके से ऐसा होगा जैसे लाइव आने जैसी ही बात हो जाएगी ना, ऐसे कि जैसे मैं लाइव ही आई हूँ आप सबके सामने। तो मैं इतनी तो कोई बड़ी नहीं हूँ कि मतलब मैं ऐसे हेल्प कर पाऊँ, लेकिन मतलब मुझसे जो होनेगा मैं करूँगी आप सब, क्योंकि ये है कि सब आगे बढ़ें, खुश रहें। मैं तो ये, तो एक्चुअली मेरे पास ना इतना डेटा नहीं है, मतलब घर में वो वाईफाई नहीं लगा हुआ जो अभी लाइव आ पाऊँ, तो कोशिश करूँगी कुछ टाइम में कुछ हो पाता है, या फिर किसी फ्रेंड कुछ होगा पड़ोस में किसी के लगा होगा तो वहाँ जाकर कभी कनेक्ट करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। देखो कि मतलब एक परिवार सा बन गया है, मेरे को सच में ऐसा लगता है कि मेरे को एक फैमिली सी मिल गई है जिसमें मैं रात दिन मैसेज करती हूँ, मेरे को मैं अकेला फील नहीं करती हूँ, मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत से बहुत प्यार मिला है, बहुत कुछ। और जी बस, तो मैं बस अब यहाँ से उठ के मैं अपना घर जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, मेरा बेबी भी अकेला है, वो भी वेट कर रहा है। और ये मैं, आपने सोचा मैं आपको सूट दिखाती हूँ, मैंने 250 रुपये का ख़रीदा था शादी के टाइम, बड़ा सस्ता सा था और बहुत अच्छा निकला है, देख लो मैं हर सर्दियाँ पहन लेती हूँ। ये देखिए आप, कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों में रेट पैसे कम लगाते हैं और वो चीज़ बहुत अच्छी निकल जाती है, और कई बार हम महंगी महंगे कपड़े खरीदते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो वही हमारी लाइफ के साथ है,
कई बार हमें ना, हम बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और छोटी चीज़ों को नहीं देते, और शायद छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे तो हो सकता है कि हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए। चलो जी, थैंक यू, मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए जी, थैंक यू।